तू और मेरे भाई लोग के शो सब ठीक है ना। मुझे पता है कि ये मूवी अब तक आप लोगों ने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आपने फाइनली गार्डन ऑफ गैलेक्सी 3 देख ली और इस वीडियो में आप जानना चाहते हैं कि पोस्ट क्रेडिट में आखिर हुआ क्या है। तो भाई उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये मूवी अब तक नहीं देखी वो मत देखना, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये मूवी देख ली चलो बात करते हैं। तो भाई याद रखना इस वीडियो में होने वाले थोड़े से स्पॉइलर्स। तो भाई ट्रेलर देखने के बाद ये लगा था कि जैक्स या रॉकेट दोनों में से कोई मरने वाला है, पर अच्छी बात बताओ कि इन दोनों में से कोई नहीं मरता। तो आप ये मान के चलिए कि गार्डन ऑफ गैलेक्सी की टीम में से किसी के बाल भी बाका नहीं होता। और भाई ट्रेलर को देख के ऐसा मुझे को लग रहा था कि भाई रॉकेट तो 100% मरेगा, और ऐसा मेरे को इसलिए लगा कि क्योंकि इसकी मार्केटिंग ही ऐसी की गई थी। मूवी को देख कर ये आपको पता चलेगा कि भाई कोई नहीं मरता है। उसके बाद आती है मूवी की एंडिंग, और आपको पता है कि एंडिंग कैसी हुई है। लेकिन इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। ओके, फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो गार्डियंस की टीम यानी कि जो मेन टीम है वो बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। सब लोग इधर उधर जा चुके हैं, एक नई टीम का निर्माण हो चुका है, और इस नई टीम का लीडर है अपना रॉकेट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने अपनी खुद की टीम बनाई, और उस टीम के अंदर नए कैरेक्टर्स भी है और पुराने कैरेक्टर्स भी। पुराने कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें रॉकेट, रूट एंड कैवलियन। कैवलियन की बात करें झुंडू का जो यारो है उसको परफेक्ट चलाना सीख लिया है इस मूवी के अंदर। इसके साथ हमें स्कॉर्पियो स्पेस डॉग भी इस टीम के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स की, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर है एडम वॉरलॉक एंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो है फाइलावेल। इन सबको मिलाकर जो टीम बनने वाली है वो गार्डियंस की मेन टीम, और जो बाकी के गार्डियंस है वो अपने अपने एडवेंचर पे निकल गए हैं।